राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 के लिए हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तक बाल रामकथा के पाठों पर आधारित ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला। इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम दंडक वन में 10 वर्ष भाग 1। श्रृंखला के पिछले भागों में आपने सुना कि जब भरत को राम के वन गमन की सूचना मिलती है तो वो दुखी होकर राम को वापस लाने के लिए वन में जाते हैं। उन्हें सूचित करते हैं कि राजा दशरथ का निधन हो गया है और उन्हें वापस अयोध्या चलना चाहिए, किंतु राम पिता के वचनों को पूरा करने के लिए वन से वापस नहीं लौटते। भरत राम की खड़ाऊं को लेकर अयोध्या लौट जाते हैं। अब सुनिए इससे आगे की कहानी। भरत अयोध्या लौट चुके थे, नगरवासी भी। सेना धूल उड़ाती हुई वापस जा चुकी थी। कोलाहल थम गया था। दो दिन बाद चित्रकूट की परिचित शांति लौट आई थी। पक्षियों की चहचहाहट फिर सुनाई पड़ने लगी थी। हिरण कुलाचे भरते हुए बाहर निकल आए थे। राम पर्णकुटी के बाहर एक शिलाखंड पर बैठे थे, एकदम अकेले, विचार मग्न, कुछ सोचते हुए। चित्रकूट अयोध्या से केवल 4 दिन की दूरी पर था। लोगों का आना जाना लगा रहता। वे प्रश्न पूछते, राय मांगते। ये राजकाज में हस्तक्षेप की तरह होता। चित्रकूट सुंदर सुरम्य था, शांत था, पर राम वहां से दूर चले जाना चाहते थे। उन्होंने मन बना लिया चित्रकूट में न ठहरने का। इसका एक कारण और था। वहां रहकर तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों का निर्णय। राम लक्ष्मण ने उस वन से राक्षसों का सफाया कर दिया था। अब तपस्या में कोई बाधा नहीं थी, लेकिन मुनिगण वन छोड़ना चाहते थे। कुछ राक्षस मायावी थे। जब तब आ धमकते थे, यज्ञ में बाधा डालते थे। तीनों वनवासी मुनि अत्रि से विदा लेकर चल पड़े दंडक वन की ओर। चित्रकूट छोड़ दिया। दंडकारण्य घना था, पशु पक्षियों और वनस्पतियों से परिपूर्ण। इस वन में अनेक तपस्वियों के आश्रम थे।
लेकिन राक्षस भी कम नहीं थे। वे ऋषि मुनियों को कष्ट देते थे अनुष्ठानों में विघ्न डालकर। राम को देखकर मुनिगण बहुत प्रसन्न हुए। मुनियों ने राम का स्वागत करते हुए कहा, हे प्रभु, आप उन दुष्ट मायावी राक्षसों से हमारी रक्षा करें, आश्रमों को अपवित्र होने से बचाएं। सीता दैत्यों के संहार के संबंध में दूसरी तरह सोच रही थी। वे चाहती थी कि राम अकारण राक्षसों का वध न करें, उन्हें न मारें जिन्होंने उनका कोई अहित नहीं किया है। राम ने उन्हें समझाया, सीते, राक्षसों का विनाश ही उचित है, वे मायावी हैं, मुनियों को कष्ट पहुंचाते हैं, इसीलिए मैंने ऋषियों की रक्षा की प्रतिज्ञा की है। राम, लक्ष्मण और सीता दंडकारण्य में 10 वर्ष रहे। स्थान और आश्रम बदलते हुए वे क्षरभंग मुनि के आश्रम पहुंचे। आश्रम में बहुत कम तपस्वी बचे थे। सभी निराश थे। उन्होंने राम को हड्डियों का ढेर दिखाकर कहा, राजकुमार, ये ऋषियों के कंकाल हैं जिन्हें राक्षसों ने मार डाला है। अब यहां रहना असंभव है। सुतीक्ष्ण मुनि ने भी राम को राक्षसों के अत्याचार की कहानी सुनाई। मुनि ने ही राम को अगस्त्य ऋषि से भेंट करने की सलाह दी। विंध्याचल पार करने वाले वो पहले ऋषि थे। मुनि ने राम को गोदावरी नदी के तट पर जाने को कहा। उस स्थान का नाम पंचवटी था। वनवास का शेष समय दोनों राजकुमारों और सीता ने वहीं बिताया। पंचवटी के मार्ग में राम को एक विशालकाय गिद्ध मिला, जटायु। सीता उसका स्वरूप देखकर डर गई। लक्ष्मण ने उसे मायावी राक्षस समझा। वे धनुष उठा ही रहे थे कि जटायु ने कहा, हे राजन, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूं, वन में तुम्हारी सहायता करूंगा। आप दोनों बाहर जाएंगे तो सीता की रक्षा करूंगा। प्रणाम पक्षीराज। राम ने जटायु को धन्यवाद दिया, उन्हें प्रणाम करके आगे बढ़ गए। पंचवटी में लक्ष्मण ने बहुत सुंदर कुटिया बनाई, मिट्टी की दीवारें खड़ी की, बांस के खंभे लगाए, कुश और पत्तों से छप्पर डाला। कुटिया ने उस मनोरम पंचवटी को और सुंदर बना दिया। कुटी के आसपास पुष्प लताएं थीं, हिरण घूमते थे, मोर नाचते थे। इस बीच राम राक्षसों का निरंतर संहार करते रहे। वे जब भी आश्रमों पर आक्रमण करते
राम लक्ष्मण उन्हें मार देते। उन्होंने सीता को पकड़ लेने वाले राक्षस विराध को मारा। वन से राक्षसों का अस्तित्व लगभग मिटा दिया। तपस्वी शांति से तप करने लगे। एक दिन राम लक्ष्मण और सीता कुटी के बाहर बैठे हुए थे, लता कुंजों को निहारते, उनके सौंदर्य पर मुग्ध होते। तभी लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा वहां आई। राम को देखकर वो उन पर मोहित हो गई। उसने स्वयं को पानी में देखा, विकृत चेहरा, मुंह पर छुर्रियां। वो बूढ़ी थी पर राम के मोह में आसक्त, उन्हें पाना चाहती थी। उसने माया से सुंदर स्त्री का रूप बना लिया। शूर्पणखा राम के पास गई, उनसे बोली, हे रूपराज, मैं तुम्हें नहीं जानती, पर तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तुम मेरी इच्छा पूरी करो, मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करो। राम ने मुस्कुराकर लक्ष्मण की ओर देखा, अपना परिचय दिया, सीता की ओर संकेत करते हुए कहा, ये मेरी पत्नी है, मेरा विवाह हो चुका है। राम शूर्पणखा को पहचान गए थे, फिर भी उन्होंने उसका परिचय पूछा। शूर्पणखा ने झूठ नहीं बोला, सच सच बताया कि वो रावण और कुंभकर्ण की बहन है और अविवाहित है। राम के मना करने के बाद वो लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने कहा, मेरे पास आने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा देवी, मैं तो राम का दास हूं, मुझसे विवाह करके तुम दासी बन जाओगी। लक्ष्मण ने शूर्पणखा को पुनः राम के पास भेज दिया। दोनों भाइयों के लिए ये खेल हो गया। शूर्पणखा उनके बीच भागती रही। क्रोध में आकर उसने सीता पर झपट्टा मारा। सोचा कि राम इसी के कारण विवाह नहीं कर रहे। लक्ष्मण तत्काल उठ खड़े हुए, तलवार खींची और उसके नाक कान काट लिए। खून से लथपथ शूर्पणखा वहां से रोती बिलखती भागी अपने भाई खर और दूषण के पास। बाल राम कथा। इस श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मुख्य विषय समन्वयक प्रोफेसर रामजन शर्मा, आलेख मधुकर उपाध्याय, निर्माण संचालन
प्रभुदयाल खट्टर, संगीतकार राकेश पंडित, कलाकार मंजू मैनी, बी एल टंडन, सुनील लोहिया, हर्ष बाला और प्रवीण, ध्वन्यांकन दीपक पांडे और अमिता भट्टी, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।